दोस्तों बारिश का मौसम आते ही गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन करता है। चलिए दोस्तों बनाते हैं गर्मा गर्म मिर्ची के पकौड़े। उनको बनाने के लिए इस तरह की बड़ी बड़ी मिर्ची ले लेंगे, क्योंकि छोटी मिर्ची काफी तीखी होती है। इनको हम इस तरह से बीच में से काट लेंगे। अब हम इन्हें तेल में इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी ये सारी मिर्चियां फ्राई हो गई हैं। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। हमने अपनी सारी मिर्चियां फ्राई कर ली हैं। पहले हम बेसन ले लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इसके बाद हींग डालेंगे। अब नमक डालेंगे। इसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी डालते हुए बैटर बनाएंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम खाने वाला सोडा डालेंगे। फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये मिर्च हम इसमें डुबाएंगे और अच्छी तरह से इसे कोट कर लेंगे। अब हम इन्हें मध्यम आंच में फ्राई कर लेंगे। दोस्तों हमारे घर में ये मिर्च के पकौड़े काफी पसंद किए जाते हैं। दोस्तों ये अभी पूरी तरह से लगभग फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत रंग आया है। अब हम इनके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। मसाले के लिए सबसे पहले हम प्याज काट लेंगे, हरी धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। खटाई के लिए नींबू ले लेंगे। मिर्च को इस तरह से बीच में से खोल लेना है। अभी ये मसाला हम इसमें भर देंगे। ये देखिए दोस्तों हमने इसमें मसाला भर दिया है। तो आप हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। अब हमारे मिर्च के पकौड़े खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दोस्तों आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए।